नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राज्य के सतारा जिले के पलसावड़े में पूर्व सरपंच ने एक महिला रेंजर की लाठी डंडों और जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी पूर्व सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। शख्स ने जिस महिला रेंजर को पीटा वह 3 महीने की गर्भवती थी। रेंजर को पीटने वाला आरोपी भी इस बात को जानता था। इस पूरे मामले पर मंत्री आदित्य ठाकरे ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला पलसावड़े में बुधवार को वन मजदूरों के स्थानांतरण को लेकर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच रामचंद्र जानकर और उसकी पत्नी ने साथ मिलकर महिला वन रेंजर सिंधु सनप और उनके पति सूर्यजीत थोंबरे की पहले डंडों से पिटाई की। सिंधु और सूर्यजीत थोंबरे पर यह मामला उस वक्त हुआ जब वे दोनों अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पूर्व सरपंच अमानवीय तरीके से महिला को पीट रहा है। उसने महिला रेंजर को पहले जमकर पीटा और फिर उसके ऊपर कूद गया। इतना ही नहीं, वह महिला रेंजर के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटता रहा। जहां शख्स महिला रेंजर की पिटाई कर रहा था वहां काफी लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।